faster and stuff like that, dig people down. क्या कुछ हो रहा है? मुझे लगता है कि इनका फेस्टिवल की शुरुआत है डी टूअर 2014, और जिस तरह से मुझे कहा गया कि ये पिछले 5 साल से चलते आए हैं और ये मास मीडिया इवेंट है, और ऑफ़ कोर्स जब भी कॉलेज वापस आते हैं तो ऐसे लगता है कि खुद स्टूडेंट बन जाते हैं कहीं ना कहीं, और इनकी एनर्जी देख के ऐसे लगता है कि यार मुझे भी वापस कॉलेज ही जाना है. और हाँ, तो हम यहाँ पे हैं वाईसी चौहान ऑडिटोरियम में. जय हिंद कॉलेज का फेस्टिवल चल रहा है डी टूअर, और हम अपनी पिक्चर शराफत गई तेल लेने को यहाँ पे थोड़ा दिखाने आए, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स की राय देख सकें और उनसे पता चले कि यार पिक्चर चल रही है, अच्छी है, लग रहा है अच्छा उनके, तो क्योंकि यही तो ऑडियंस है हमारी. और देखते हैं, फिलहाल तो वो अपने अपने जो प्रोग्राम में घुसे हैं, फिर हम लोग जाके देखेंगे, मिलेंगे उनसे. अच्छा, कॉलेज की बात करें तो जायद कितने शरीफ थे कॉलेज में या फिर नॉटी थे? अरे यार, सही सही सवाल, वैसे बहुत सही है. मैं शरीफ तो बिल्कुल नहीं था कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज एक चीज़ है कि कॉलेज एक्चुअली लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कॉलेज ऑल्सो ये भी है कि ज़िंदगी की जो एक पहचान है उसे आजमाने भी जाते हैं. और जैसे हम जब कॉलेज में होते हैं आदमी, तो यू नो सोशल स्किल्स बनाते हैं, और यू नो बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, और बहुत सारे दूसरी चीज़ भी होते हैं पढ़ाई के अलावा. और मैं शायद कॉलेज मैं अच्छा स्टूडेंट था. आई वुड से आई वाज अ बैड स्टूडेंट, आई वाज इनफैक्ट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे बहुत थे कॉलेज में. और फिलहाल मैं सबको उस किस्म का एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है उनको ऑलरेडी पता है कि कॉलेज में क्या होता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि दिन बदल गए हैं और एक वक्त बदल चुका है. और मेरे वक्त पे तो आई डोंट थिंक कि इतना सोशल मीडिया था जितना आज है, और आई थिंक सोशल मीडिया के कारण पूरे कॉलेज की एक्सपीरियंस जो है बहुत बदल गई है. तो कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए शरीफ होते हैं, कुछ लोग शराफत घर पे छोड़ के आते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये पूरे जो कॉलेज हैं इनकी एक रिएक्शन देखने, क्योंकि पिक्चर तो आजकल खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ये लोग इंडिया की पूरी ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो उनकी जो राय है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट राय है हमारे लिए. ट्रेलर रिलीज हो चुका है जी, रिस्पॉन्स आया, हमने सुना कि काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया यार, और हमने तो अब तक शुरू भी नहीं किया अपनी प्रमोशन, तो
ये तो एक सॉफ्ट प्रमोशन है कि हम इंटरनेट पे अपना प्रोमो लॉन्च करते हैं और लगभग 5 लाख हिट्स आ गए ऑलरेडी, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सब लोग एक तो मुझे जो रिएक्शंस मिले हैं कि आप कुछ बहुत ही अलग कर रहे हैं इसमें, आप अपना कूल डूड वाला जो एक किरदार है वो नहीं निभा रहे हैं, कुछ दूसरा निभा रहे हैं, तो ऐसे अच्छे अच्छे रिएक्शंस आए। और ये पिक्चर जो है बहुत ही रियल पिक्चर है, इट्स अ रोमांटिक कॉमिक थ्रिलर, और मुझे लगता है कि कॉलेज लोग को खासकर बहुत पसंद आएगी क्योंकि इट्स अ वेरी फनी मूवी, वेरी रेलिवेंट, इट्स टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन एंड अराउंड अस ऑल द टाइम, एंड यू नो ऑल द एंड आई थिंक it has a good take on you know how to deal with the kind of shams and scams that are happening in and around you. So main yahi keh sakta hu ki to ek gana bhi release kiya internet pe called selfie, aur ye gana isliye aaya kyunki you know hum log bahut baar airport se nikalte hain ya hotels mein jaate hain aur aaj ki jo trend hai, आज ऑटोग्राफ कोई नहीं पूछता है, सब लोग बोलते हैं सेल्फी ले लो सर, एक सेल्फी लेते हैं सर, तो ये दिमाग में घुस गया। और जब हम लोग सब बैठे हैं म्यूज़िक बनाते समय, तो ये एक सेल्फियाँ का एक आइडिया आया, और मीट ब्रदर्स ने एक बहुत ज़बरदस्त गाना बनाया जो जिनका नाम है सेल्फियाँ, बदमाशी करो करो सेल्फियाँ क्लिक तुसी करो करो, इट्स वेरी कूल सॉन्ग, वेरी 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 लाइक टुडे लिटिल वैक्ड आउट। तो हाँ, मैं सब रिएक्शंस देखने मैं बेचैन हूँ रिएक्शंस देखने सबका, और बाकी तो अभी पिक्चर बाकी है, देखते हैं कैसे चलता है। थैंक यू सो मच। तो फाइनली शराफत ने दे लिया, ट्रेलर तो लॉन्च हो चुका और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह से आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हम बहुत खुश है, वी वेरी एक्साइटेड, लोगों को पसंद आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक आ रही है, पीपल आर हैप्पी, फीडबैक ये आ रहा है कि फिल्म में लग रहा है कि कंटेंट है मज़े के साथ साथ, तो यही हमारा इंटेंशन भी था कि अलॉन्ग विद अ फन एंटरटेनर देर शुड ऑल्सो बी कंटेंट एंड अ स्टोरी फॉर एवरी वन टू फॉलो। और आज हम लोग आए यहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने, इनका फीडबैक लेने, और इट विल बी अ फन इवेंट, और देखते हैं आगे क्या रिस्पांस रहता है। अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो इंटरेक्ट करने आए हैं, क्या कुछ मतलब उन लोग का रिएक्शन कैसा था? अभी रिएक्शन मिलेगा, अभी उनके लिए ट्रेलर प्ले किया जाएगा, गाना प्ले किया जाएगा, देखते हैं उनसे बातचीत करते हैं उनको क्या लगता है, बिकॉज उनका रिस्पॉन्स उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक मेजर शेयर है ऑडियंस जो आज देखती है, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट ऑडियंस है आजकल की, बहुत अवेयर है, इनके पास बहुत मीडिया अवेलेबल है, हर चीज़ टिप्स पे है, चाहे यूट्यूब हो चाहे सोशल नेटवर्किंग हो, तो दे आर वेरी अवेयर, बहुत कंटेंट इन्होंने देखा हुआ है, तो इनको प्लीज़ करना बहुत मुश्किल भी है और सेटिस्फाइंग भी अगर कर पाओ तो। इस फिल्म की खासियत ये है कि ये कॉमिक थ्रिलर है, तो इसमें कॉमेडी है बट एक थ्रिलर के फॉर्मेट में, तो ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे, पर साथ साथ इसमें एक टेंशन एक एंग्जाइटी कंटिन्यूसली आपको मिलेगी, तो स्टोरी बहुत फास्ट पेस्ड है, हर कुछ मिनटों में नई नई चीज़ें खुलती रहेंगी, तो इसमें वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, प्लस ये बहुत रेलिवेंट है आज की टाइम की फिल्म है, इट डील्स विद यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट डील्स विद मनी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, इट डील्स विद फोन्स, वो सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करी थी मेरे को भी स्क्रिप्ट को लेके, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग बहुत रिलेटेबल है और आज सब लोग उसके साथ कनेक्ट करेंगे। मैं बहुत लकी रहा कि फ्रॉम डे वन दोनों की दोस्ती एकदम जम के हुई, दोनों के शौक काफ़ी मिलते जुलते हैं, दोनों को फास्ट कार्स फास्ट बाइक्स एड्रेनलिन रश बहुत दोनों को शुरू से पसंद था, पर इस फिल्म में दोनों के कैरेक्टर जो थे वो एकदम अलग थे उस चीज़ को लेके, क्योंकि दोनों जो है फिल्म में एकदम जिसे कहते हैं कि
लुखे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। जाहिद का जो कैरेक्टर है वो एकदम सीधा साधा है, 9 to 5 वर्किंग, जो यू नो एकदम हर चीज़ एकदम बाय द रूल करता है। रणविजय कैरेक्टर, उसको हाई लाइफ पसंद है पर मीन्स नहीं है, तो वो चाहता है कि शॉर्टकट से पैसे जल्दी बन जाएँ, बट अभी तक उसको माध्यम मिला नहीं है। बट अदरवाइज़ ऑफ स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया गई, जो कि ट्रांसलेट हुई ऑन स्क्रीन भी। और मतलब वी हैड अ फन कंप्लीट ब्लास्ट शूटिंग द फिल्म, दोनों ने बहुत मज़े किए, और मेरे को इसलिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो दोनों आपस में ही यू नो दे यूज़ टू हैव अ गुड टाइम, इन्जॉय देमसेल्व्स, तो इट वॉज अ फन शूटिंग दिस फिल्म। थैंक यू सो मच। Well, the charming and dynamic Zayd has always projected different characters on screen, from the cute college boy Lucky in Mehuna to the sensitive Yash in Shab. Zayd has always owned the screen in all his films. His event venture, Sharaf, his new venture, Sharafat Gaye Te Lene, we'll see him in a comic. Can you all join me, please? Mato mein jadu, jadu mein kho gaye hum. Okay, bekaabu, I looked at you, you looked at me, aur ho gayi mushkil, and you became my destiny. Tu hi meri manzil, bas bahane karke le gaye dil, le gaye dil. No more horror. Up next we have. Okay, I'm gonna sing this only if you wear this for me. Go Lion King! Okay, so we're singing Mr. Marco. Okay. Jaan hatheli pe rakhlo, aankho se moti chakho, ti 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 te te, and suni ho hatcha, imaan hake mi khamdo ho. Makes sense. Oh, all right. Jai College, D2R, 2014. Wow, man, you know, I just come back.
ported back to like college myself. So one of the media guys asked me a question. क्या आप कॉलेज में शरीफ थे? कोई कॉलेज में शरीफ होता है क्या? हाँ, सब लुच्चे होते हैं. हाँ, और वो ही कॉलेज का सबसे बड़ा मजा है. But anyway, having said that, thank you for having me here. I've just experienced like this amazing, amazing amount of love. You know, I almost thought that you guys almost forgot about me since I'm not doing too many movies. But it doesn't seem that way. So, what's that? You love me again? Mary Poppin loves me. Oh my God, dude. You know, you gotta know I had a crush on her when I saw her first, yeah? Yeah, I mean, like, look at that Mary Poppin, she's hot. Anyway. So, to all you guys, so, you know, it's been an amazing journey, right? From like Mehuna, Lucky, and then now to this guy called Prithvi Khurana. So, of course, it's not Sharafat Gayi Kele Lene, it's Sharafat Gayi Tel Lene. Koi baat nahi, hota hai, hota hai. Hum bhi the ek baar aise, bahut. So, of course, you know, I'm not sure if everybody understands what Sharafat Gayi Tel Lene means, but Sharafat Gayi Tel Lene is actually it's a very Delhi slang. How many guys are from here, from Delhi, from Delhi? All right. So we have Delhi people coming to Bombay colleges. That's cool, huh? Bombay. All right. Love that. So it's a slang, you know, where I guess, you know, when people say, "Arey yar, karna chahiye, jana chahiye, shaadi hai, ye wo," to bolte hai yar, sharafat gayi tel lene, yar, nahi jaate. So it's almost like that kind of connotation. And for all you people who don't speak very good Hindi, and I'm sure there are a few out here. yes, I know. It means to hell with honesty and hell with dignity. But, you know, it's been a fantastic journey, honestly. I'm actually 10 years in the industry. It's going to be like really rocking. It's a comic thriller. It's got some cool songs. Another thing, you know, there's a song on selfies. And, you know, a lot of things that used to happen was, I used to go through airports and, you know, people stop taking autographs, right? It's all about selfies, yeah? It's like the cool Uber thing to do. So, yeah, I mean, I love you too. Selfies all the way. I hope you guys rock the song in wherever you are, whichever party you are. And most of all, thank you for having me here, guys. I am so honored to be amongst you guys. Y'all took me back. You're taking me forward. Thank you. Enjoy your festival and have the best time ever. And just to make it short, yeah, I do like women more. You know, when you come to my age, you'll have the same problem. Don't worry about that. All right, Jahid, take care, brother. Take care, sisters. All the best. Yeah. Having said that, could we have a selfie? Of course. Everyone's gonna be here. Wow, that's. Cheers, guys. I hope all you guys get 100 crores in your bank account. Thank you so much. Before you leave, we'd like to show you our token.